दोस्तों फ्यूचर कितना हसीन होगा इसके सपने तो हम रोज ही देखते हैं, तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाले समय के कुछ ऐसे कमाल गजब गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे और आपका फ्यूचर इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो यार वीडियो आखिर तक जरूर देखना। नंबर एक, ENV कार। असल में दोस्तों ENV दो सीट्स वाली एक छोटी सी कार है जो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि इसको मैप पर सेट करना होता है लोकेशन और ये ऑटोमेटिकली आपको वहां पर पहुंचा देगी, और इसी कार का यूज टुमॉरोलैंड मूवी में भी किया गया था। नंबर दो, लेक्सस होवरबोर्ड। लग्जरी कार्स को बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने दोस्तों ये कमाल का होवरबोर्ड भी बनाया है जो जमीन को बिना छुए 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ही हवा में चलता है, क्योंकि इसके नीचे दोस्तों बेहद ही पावरफुल मैग्नेट लगाई गई है जो इसकी मदद करती है जमीन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करने में। और दोस्तों इसको शायद आपने देखा भी होगा बैक टू द फ्यूचर मूवी में। क्या आपको लगता है इंडिया में ये गैजेट जल्दी आएगा? मेरे हिसाब से संभावना काफी ज्यादा है, हालांकि लोग इसका सही से यूज करेंगे या फिर नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता। हालांकि इसकी खास बात यह है कि इंडिया में अगर गड्ढे भी होंगे सड़कों में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो सड़क से 3 सेंटीमीटर ऊपर ही चलेगा। नंबर तीन, A2X। ये जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। हवा में उड़ने का यार अगर आप शौक रखते हैं ना तो ये आपके लिए द बेस्ट रहेगी। ये किसी भी जगह पूरी तरह से परफेक्टली रन करेगी, लेकिन हाँ पानी पर बिल्कुल नहीं रन करेगी। नंबर चार, Yike बाइक। हालांकि ये बाइक काफी ज्यादा अजीब सी है, इसे चलाना भी बेहद ही कठिन है और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इस पर बैलेंस बनाकर बैठना, लेकिन अगर आपने इसे चलाना सीख लिया तो आप इसके पूरी तरह से दीवाने हो सकते हैं। 10 से 20 किलोमीटर के एरिया में घूमने के लिए ये पूरी तरह से परफेक्ट है और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये काफी जल्दी हम सबके पास हो। आपको क्या लगता है, ये गैजेट आना चाहिए या फिर पैदल चलना ही बेस्ट है? अगर मेरी राय माने तो यार इस गैजेट के मुकाबले पैदल चलने का अपना ही अलग मजा है। अपनी राय यार आप नीचे कमेंट में जरूर बताना।